हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर तो जो अपडेट निकल के आ रहा है वो L&T म्यूचुअल फंड की तरफ से निकल के आ रहा है। L&T म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की है एक अपनी नई म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पर, जो है L&T इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड सीरीज 1। तो फ्रेंड, इसका जो NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर जो स्टार्ट होगा 29 जनवरी 2018 से, जो कि क्लोज होगा February 12, 2018 को, तो इन दोनों पीरियड के बीच में आप यहां पर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कीम है वो है क्लोज एंडेड। तो यहां पर आपको पर्टिकुलर टाइम मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे कि हम लोग आमतौर पर रिव्यूज में बात करते हैं, जो स्कीम ओपन एंडेड होती है, तो वहां पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो यहां पर जो स्कीम है क्लोज एंडेड है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्कीम है वो कुछ पीरियड तक यहां पर लॉक रहेगी। तो इस बीच में आप अपना फंड को यहां पर रिडीम नहीं कर पाएंगे, फंड को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसके जो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही आपको यहां पर फंड मिलेगा। देखिए, यहाँ पर NFO का मतलब क्या होता है? NFO मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। ये सिमिलर होता है जैसे कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई नई कंपनी जब स्टॉक्स को इशू करती है, शेयर्स को इशू करती है, तो वो यहाँ पर IPO लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनीज जब कोई नया फंड लेके आती है, नई स्कीम लेके आती है, तो उसको लॉन्च करते समय उसको जब वर्ड यूज किया जाता है वो होता है NFO, न्यू फंड ऑफर। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स की बात हम लोग कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या रखा गया है स्कीम के अंदर? देखिए, लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ मिले, और स्कीम का ऑब्जेक्टिव इस तरीके से रखा गया है कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो यहाँ पर। तो जितना भी फंड वो कलेक्ट कर रहे हैं वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर लगाएंगे, और खास करके स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड स्वीप। यहाँ पर जब भी डिविडेंड आपको डिक्लेयर होगा तो आपके पास एक फैसिलिटी यहाँ पर होगी कि आप उसको स्विच कर सकते हैं, कि जो भी डिविडेंड आपको मिले किसी और अदर स्कीम जो है L&T म्यूचुअल फंड की, वहाँ पर आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा इस फंड के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपीज। अगर आपके पास 5,000 रुपये का फंड है तो आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेस देन 5,000 रुपीज आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैक्सिमम इसकी जो लिमिट रखी गई है वो 10 करोड़ के आसपास रखी गई है। तो मिनिमम आपको यहाँ पर देखना है कि 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पर करना है। इसके फंड मैनेजर की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो विहंग नायक इसके फंड मैनेजर है यहाँ पर। बेंचमार्क की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर इसका बेंचमार्क है। प्लान्स जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर रेगुलर और डायरेक्ट के अंदर, यानी कि दोनों के अंदर आपको प्लान यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम जो यूनिट्स आपको ऑफर की जाएगी उसकी जो प्राइस होगी यहाँ पर 10 रुपीज़, यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो यहाँ पर 10 रुपये होगी। बात कर लेते हैं इसकी टेन्योर ऑफ द स्कीम, मतलब क्लोज एंडेड तो होगी स्कीम पर कितने दिनों तक क्लोज एंडेड होगी यहाँ पर। तो उसका जो टेन्योर यहाँ पर दिया गया है वो लगभग दिया गया है 1151 दिन के लिए, यानी कि 1151 डेज के लिए यहाँ पर स्कीम लॉक होगी। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद ही आप इस फंड में से पैसा निकाल पाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम किसी क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्लोज एंडेड स्कीम का एक बार ट्रांजेक्शन पीरियड खत्म होने के बाद वो स्कीम कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना जरूरी होती है, ताकि आप उसको बाद में उसको वहाँ पर सेल करके उसको रिडीम कर सकें। फंड के ऊपर और नज़र डालें हम लोग, तो फंड का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि L&T इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड है। तो देखिए, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पर मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि स्मॉल कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उनके अर्ली स्टेज पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वहाँ पर ग्रोथ के ऑप्शंस हमको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल वो कंपनीज़ दिखा सकती है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में देखा गया कि स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी हायर रिटर्न्स हमको देखने को मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द एस्टेब्लिश लार्जर काउंटर पार्ट्स। तो हिस्टोरिकली ये देखा गया कि जब भी इकोनॉमिक रिकवरी होती है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो स्मॉल कैप कंपनीज़ ही वो कंपनीज़ होती है जो हायर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है। तो यहाँ पर जो इंडियन इकोनॉमी है वो यहाँ पर कुछ साइन ऑफ रिकवरी यहाँ पर दिखा रही है, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स यहाँ पर दिखा रही है, और कुछ अदर इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि स्मॉल कैप कंपनीज़ को बॉटम पिक किया जाए, उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किए जाए जो प्रॉफिटेबल है और जो ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी बनती है इस तरीके के मार्केट के अंदर, तब जाकर आपको यहाँ पर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज स्कीम्स के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ और बेनिफिट्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप इस मार्केट के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल वाली स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्कीम है वो क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर के अंदर आती है, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है पोर्टफोलियो को, क्योंकि बार बार नए लोग अपना फंड लेकर नहीं आ रहे और बार बार यहाँ से विड्रॉ नहीं हो रहा है। फंड मैनेजर को यहाँ पर टाइम मिलता है ग्रोथ करने का कंपनीज़ के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर टाइम टेकिंग प्रोसेस में उसको मदद मिल जाती है। आगे नज़र डालते हैं हम लोग सेक्टर एलोकेशन के ऊपर। यहाँ पर तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ जो कि स्मॉल कैप कंपनीज होगी, तो वहाँ पर मैक्सिमम 100% का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 65% रखना ही उनको, यानी कि 65% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर होगा मिनिमम साइड में। 100% भी वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है यहाँ पर। अगर 35% वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो स्मॉल कैप के अलावा वो किसी और अदर सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रखा गया डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
वो रखा गया 20%। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 100% आपको यहाँ पर ऑप्शन रखा गया कि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसकी जो रिस्क प्रोफाइल बनती है वो ये बनती है कि अगर 100% स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये फंड थोड़ा सा रिस्की यहाँ पर बन सकता है। और एट द एंड फ्रेंड, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस फंड के अंदर, तो यहाँ पर मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको दे रखी है, वेबसाइट्स की लिंक भी दे रखी है, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी आपको दे रखी है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कुछ लिंक दे रखी है, जैसे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यहाँ पर वन पेज स्कीम इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाकर इसको डिटेल के अंदर भी पढ़ सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए और फाइनेंशियल अपडेट्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर फ्रेंड्स आता है आपको ये वीडियो पसंद, तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।